रीमा रानी। अब आ गया है लाइव परफॉर्मेंस करने का मौका। दूध भी कितने अच्छे अच्छे काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज लगेगा चांद पे दाग। रीमा का मामा है, तुझे शर्म नहीं आती ताजा करते थे? चल 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 यहां से। क्या कर रहा था तुम? तुम रीमा के मामा हो, ये सब शोभा देता है तुमको? रीमा तुम्हारी बहन की बेटी है, समझ में आया तुम्हें? रीमा आज अगर ये सब देख लेती तो पता नहीं क्या होता। दीदी सॉरी दीदी, कि दीदी पता रीमा ना बहुत ब्यूटीफुल है, उसके 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 हेयर ना बहुत ब्यूटीफुल है, और उसकी ना उसके लेग्स ना। चुप कर पागल, क्या बोल रहा है तू? हाँ मुझे लगता है भूत बाबा को बुलाना ही पड़ेगा। चल जा, रेस्ट कर, अपनी मेडिसिन ले। दीदी लेकिन पता है रीमा ना एकदम 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 एंजल की तरह एकदम। चुप हो जा पागल, लगता है भूत बाबा को बुलाना पड़ेगा, वो आकर तुझे खाएंगे ना, तभी तू मानेगा। चल जा अपने कमरे में। हे भगवान, ये कहीं सच में कोई पागलपंती ना कर दे। क्या करूं मैं? नमस्कार, मैं अभिनव पराशर एक बार फिर से आज की क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत करता हूं। आइए जानते हैं आज की इस कहानी के बारे में। कहते हैं कि सौतेली शब्द ने मां शब्द को बदनाम कर दिया है। हालांकि जरूरी नहीं कि हर सौतेली मां खराब ही हो, रीमा के साथ भी कुछ ऐसा ही था। रीमा के पिता की पहली पत्नी की मृत्यु के बाद रीमा के पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। हालांकि रीमा को अपनी सौतेली मां स्वर्णा कुछ खास पसंद नहीं थी। रीमा अपनी पढ़ाई करने के बाद अपनी सौतेली मां स्वर्णा के साथ रहने लगी थी, लेकिन एक अलग बात यह थी
कि स्वर्णा का भाई और रीमा का सौतेला मामा, जो कि दिमाग से थोड़ा पागल था, उसके साथ रहना रीमा को पसंद नहीं था। क्या वजह सिर्फ ये थी कि वो दिमाग से थोड़ा पागल है या कोई और? आइए जाने। मम्मी, मुझे माँ से कुछ बात करनी है। बोलो बेटा। अभी मैं जब कमरे में तैयार हो रही थी तो मुझे लगा कि कोई मुझे चोरी से देख रहा है। नहीं बेटा, मैं आई थी तेरे कमरे में डस्टिंग करने के लिए, तुझे ऐसा लगा होगा, कोई नहीं था, मैं थी। मम्मी एक बात बताऊं, मुझे ना कुछ दिनों से मामा से अच्छी वाइब्स नहीं आ रही है, प्लीज आप उन्हें यहाँ से कहीं दूर भेज दीजिए। अनमोल दिल का खराब नहीं है बेटा, वो तो भगवान ने उसका दिमाग थोड़ा ऐसा बनाया है इसलिए ऐसा बिहेव करता है, पर तुम चिंता मत करो, वो तुम्हें कभी कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा। रिलैक्स। लेकिन उनकी वो नजरें, मुझे बहुत डर लगता है मम्मी। रिलैक्स बेटा, मैं समझाऊंगी इसे, जाओ तुम आराम करो। ठीक है मम्मी। मेरी जान, कहो कैसे याद किया जाने मन? आज रात को हो जाए क्या, दो जिस्म एक जान। सनी, तुम नहीं सुधरोगे ना, तुमने फिर अपनी वल्गर बातें शुरू कर दी, तुम्हें पता ना मुझे ये सब पसंद नहीं है। अब तुम तो हो एक नंबर की बोरिंग पर्सन। कम से कम मुझे तो लाइफ में कुछ ड्रामा मसाला ऐड करने दो, वरना तुम्हारे साथ तो बिना गैस के कोई भी पक जाए। बस बस ज्यादा हवा में मत उड़, वैसे भी मुझे ये वल्गर एंड चीप टॉक पसंद नहीं है, तू ही खुश रहे अपने चीप टॉक के साथ, इडियट। अच्छा चल छोड़ ये सब, बता क्या बात है? आई नो जरूर कोई बात है। तू ऐसे तो कॉल करती नहीं मुझे, मेरा सिक्स्थ सेंस बोल रहा था कि मेरी एक ब्यूटीफुल हॉट एंड सेक्सी फ्रेंड प्रॉब्लम में है। सनी, तू अपनी बकवास बंद करेगा या मैं फोन रखूं? अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी, जस्ट रिलैक्स, टेल मी क्या प्रॉब्लम है। सनी, तुझे पता है यार, मेरे मामा मुझे बहुत तंग करते हैं, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, वो मुझे तंग करते हैं, मैं वॉशरूम जाती हूँ वहाँ पे मेरे पीछे पीछे आ जाते हैं, विंडो से मुझे झांकते हैं। सनी, मैं बहुत परेशान हूँ, कोई मेरी प्रॉब्लम नहीं समझता। यार यार, डोंट वरी, जस्ट रिलैक्स, तू एक बार अपनी प्रॉब्लम अपनी मॉम को बता, माइट बी शी कैन हेल्प यू। सनी, मैं कपड़े चेंज करती हूँ तो भी मुझे देखते हैं, मुझे बहुत डर लगता है यहाँ पर। सनी, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मैं उनके साथ नहीं रह सकती। सनी, मैं बहुत परेशान हूँ, सनी मैं क्या करूँ? चल टेक केयर, और ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो एक बार कॉल करना, मैं आ जाऊँगा, और तुझे तो पता ही है। तुमने बुलाया और हम चले आए, जान हथेली पे ले आए। सनी, तू फिर शुरू हो गया, मुझे ना तेरी बकवास नहीं सुननी है, मैं फोन रख रही हूँ, बाय। दोस्तों, क्या ये सब एक नए गुनाह होने की दस्तक है? क्या रीमा का मामा अनमोल सच में ही कुछ पागल है, या असल में वो रीमा को सचमुच कोई नुकसान पहुंचा सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि उसकी नजरें रीमा के लिए खराब हो? क्या रीमा का अपने बेस्ट फ्रेंड सनी को सब कुछ बताना सही था, उसे इस मामले में शामिल करना ये सही था? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आइए देखते हैं कहानी को आगे। Thank you.
रात में मेरे साथ जो हुआ पता नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है ठीक से, लेकिन कोई तो था, कोई तो था। मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? क्या हुआ? कैसे मुझे अचानक नींद आने लगी? कोई तो गड़बड़ है। रीमा को बताऊं कि नहीं बताऊं? पहले वो पापा के लिए इतना तकलीफ में रहती है, रोती रहती है, नहीं बता सकती। उसको टेंशन नहीं दे सकती। कोई तो था, कोई तो था। रीमा बहुत टायर्ड लग रही हो, कुछ लोगी क्या? नहीं नहीं मम्मा, वो आज हम सब दोस्तों का गेट टुगेदर था, मैं वहीं से खाकर और पीकर आई हूँ, आई मीन कोल्ड ड्रिंक पीकर आई हूँ। मम्मा डोंट वरी, यू कैन ट्रस्ट मी, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगी जिससे कि आपको बुरा लगे, मैं कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करूँगी। तुम्हारे पापा के जाने के बाद तुम ही मेरा एक सपोर्ट हो बेटा, आई टोटली ट्रस्ट यू। जाओ अपने रूम में जाओ और फ्रेश हो जाओ। ठीक है मम्मा। मामा हटिए ना, मामा तुम बहुत अच्छे हो। ठीक है जाइए, तुम अच्छे हो। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा बोल। मम्मी पता नहीं मुझे क्या हो गया है, देखो मेरी बॉडी में ना बहुत पेन हो रहा है। मम्मी मुझे लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत। ओह माय गॉड, मेरी बच्ची के साथ किसी ने, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे, तू चिंता मत कर। मम्मी एक बात कहूँ, मुझे लगता है कि ये सब मामा का काम है। कहाँ है वो कस मामा, बुलाओ, कहाँ है वो कंस मामा? क्या बोल रही है तू? तेरा मामा ऐसा नहीं कर सकता बेटा। मम्मी तुम उनकी साइड मत लो, नहीं तो मैं पुलिस को बुला दूंगी।
अभी तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं अभी जाके अनमोल को बोलती हूँ घर से निकल जाने के लिए। और बेटा तेरे मामा पागल जरूर है लेकिन वो तेरे साथ ऐसा वैसा कुछ गलत नहीं कर सकते। लेकिन तेरे साथ जिसने भी ऐसा किया है ना, उस कमीने को मैं छोड़ूंगी नहीं, जान से मार दूंगी उसे। छोड़ो मम्मी मुझे। रीमा शांत हो जाओ, तेरे मामा ऐसा नहीं कर सकते। रात को ना रीमा के कमरे में भूत बाबा आया था, मैंने मैंने देखा था दीदी, वो रीमा के कमरे में गया और रीमा को खा गया। चुप कर, कुछ भी बकता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये सब करने की? निकल यहाँ से। निकल ना। दीदी आया था भूत बाबा। देखो माँ, या तो इस घर में मामा रहेंगे या मैं। रीमा कुछ ना कुछ तो हल निकालेंगे, पर मुझे पूरा विश्वास है कि तेरे मामा कुछ भी गलत नहीं कर सकते। बेटा समझ मेरी इस बात को। रीमा को अपने बारे में मैं कुछ भी नहीं बता सकती वरना वो और परेशान हो जाएगी। चले गए मुझे छोड़कर। पापा मुझे भी आपके पास आना है, आपकी बहुत याद आती है पापा। प्लीज आप वापस आ जाओ। क्या हुआ अगर पापा नहीं है तो? माँ तो है ना, सौतेली से पर तुझे इतना प्यार करती है कि तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। माँ पापा को वापस बुलाओ ना प्लीज माँ। रीमा स्ट्रॉन्ग बन, प्रैक्टिकल हो जा बेटा, एक्सेप्ट कर इन सब चीजों को। लाइफ रुकने का नाम नहीं है। तुझे पता है आज मैंने तेरे लिए तेरी फेवरेट मिठाई बनाई है, चल खा ले आजा। तेरे साथ गलत करने वाला ये कमीना सन्नी था। करेगा कैसे? उसका भी इंतजाम मैंने कर लिया है। सुवर्णा के घर की डुप्लीकेट चाबी मैंने बनवा ली है और अब यही चाबी मेरे हर ताले को खोलेगी।
समझ गया? चल अब आगे का लाइव परफॉर्मेंस मैं तुझे बाद में दिखाता हूँ, सुवर्णा और रीमा की लाइव परफॉर्मेंस, समझ गया? चल बाय। जिसको मौत की नींद सुलाकर आज मेरे दिल को तसल्ली मिली, जब तू गई थी ना गेट टुगेदर के लिए, इसने ही तेरे ड्रिंक्स में नींद की गोलियां मिलाई और तेरे साथ गलत किया। रीमा रानी, अब आ गया है लाइव परफॉर्मेंस करने का मौका। दूध भी कितने अच्छे अच्छे काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज लगेगा चांद पे दाग। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा बोल। मम्मी पता नहीं मुझे क्या हो गया है, देखो मेरी बॉडी में ना बहुत पेन हो रहा है। और फिर मेरी चाय में नींद की गोलियां मिला तो मेरे साथ गलत किया। और इसने आपके साथ गलत किया, ये आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुझे बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। इस कमीने पर शक तो मुझे उसी दिन हो गया था जब तेरे मामा ने मुझे बताया था कि भूत बाबा उसने देखा है, और आज रात ये फिर इसी फिराक में आया था, फिर कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा था। मैंने इस कमीने पर पीछे से वार कर दिया और उसे मार डाला। मम्मी मुझे माफ कर दो कि मैंने मामा पर शक किया और अपने दो के पास दोस्त पर एतबार किया और जिसकी मुझे ये सजा मिली। मम्मी तुम रो मत, मैं ये सारा इल्जाम अपने पर ले लूंगी। नहीं बेटा, तेरे सामने तेरी पूरी जिंदगी पड़ी है,
तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, पर एक बात याद रखी, मेरा भाई पागल जरूर है लेकिन तेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। मेरे सिवा उसका कोई नहीं है दुनिया में, मुझे वादा कर तू उसका ख्याल रखेगी ना। हाँ माँ, मैं वादा करती हूँ। दोस्तों, इस सब कुछ को देखकर वाकई में दोस्ती शब्द से ही दुश्मनी हो जाएगी। कोई दोस्त ऐसा कैसे कर सकता है अपने ही बेस्ट फ्रेंड के साथ? सरी ने जो कुछ भी किया वो पूरी तरह से गलत था। हालांकि स्वर्णा ने सौतेले शब्द की परिभाषा को ही बदल दिया। उसने अपनी बेटी रीमा के लिए सब कुछ किया, अपनी इज्जत तक को दांव पर लगा दिया। लेकिन सरी ने जो इन दोनों के साथ किया वो बिल्कुल ही गलत था। क्या इन सब घटनाओं के बावजूद रीमा और स्वर्णा की खोई हुई इज्जत वापस आ सकेगी? नहीं, नहीं आ सकेगी। लेकिन ऐसा जरूर है कि सनी को उसके पाप की सजा देकर रीमा और स्वर्णा को संतोष जरूर मिला होगा। जहां एक तरफ सनी था जो बेस्ट फ्रेंड होने के बावजूद इस तरह की घिनौनी हरकत कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ था रीमा का मामा अनमोल। पागल होने के बावजूद उसने हमेशा अपने आप को रिश्तों की हदों में रखा। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं। अगली बार आपके पास फिर आऊंगा एक नई दिल दहलाने वाली कहानी को लेकर। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।